सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप काइनमास्टर से ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं किसी प्रकार के वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मैं एक से बढ़कर एक क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, तो गाइस उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए ना लेट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर काइनमास्टर आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको वहाँ से भी डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहां पे काइनमास्टर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहां पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहां पे सर्कल वाला जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए तीन ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 60:9 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो एक सेलेक्ट करना होगा। चलिए आपको वीडियो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बहुत जितने ब्राउजर में आपका जो सॉन्ग रहेगा आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर वीडियो के आइकन पर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर अप्रूव टिक के निशान पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा ये सब। तो आपको यहाँ पे कैंची के निशान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्लिट एट प्ले हेड पर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक व्हाइट वर्ग का एक मिल जाएगा आपको ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर फिर अगले वीडियो में आना है, आपको इस वीडियो को भी सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कैंची का ऑप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर एक बॉक्स बन के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया। चलिए इसका लेंथ वीडियो को बढ़ाने के लिए आपको वीडियो पर सिलेक्ट करना है और इसका लेंथ बढ़ा लेना है। चलिए तो थोड़ा लेंथ बढ़ा लेते हैं इसका। तो चलिए वीडियो का लेंथ बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो व्हाइट वाला बॉक्स लग रहा है वर्ग आपको इस पर क्लिक करना है। जिसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सा ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन आ गया है। इसका नाम है ट्रांजिशन इफेक्ट, इसी का नाम है ट्रांजिशन इफेक्ट। आप बहुत सा गाना में देखे होंगे कि आप अनेक प्रकार का स्टाइलिश होता है वहाँ पर यही इफेक्ट लगाया जाता है। तो चलिए आपको मैं कोई इफेक्ट लगा कर दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर फन ट्रांजिशन इफेक्ट जो कि हर वीडियो गाने में या सॉन्ग में आपको यूज किया जाता है। चलिए इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि सर्कल वाइप वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख जाएंगे कि इफेक्ट हमारा कैसे काम कर रहा है। देखिए इस तरह का आप बहुत सा गाने में आप देखे होंगे इस तरह का इफेक्ट लगाया जाता है क्योंकि सुंदर लगने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करने स्थान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर अगले आपको यहाँ बॉक्स व्हाइट वाला बॉक्स में आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप कोई एक दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं। चलिए मैं एक अलग इफेक्ट लगा लेता हूँ। चलिए कोई देखते हैं इफेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट आने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत आप स्पिन वाला इफेक्ट देखते होंगे वीडियो में बहुत सारा होता है जो कि अंतिम में जाते जाते इफेक्ट क्या होता है कि वीडियो ख़त्म होते होते यहाँ पे आप एक ग्राउंड सा मोड़ कर अंत कर देता है वीडियो का, तो उस तरह का इफेक्ट है, इसका नाम स्पिन इफेक्ट बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देख लिए यहाँ पे मेरा इफेक्ट लग गया है। अगर आप यहाँ पे आप पट्टी में टेस्ट नहीं लगाने आता है तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप और वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए इफेक्ट मेरा शुरू हो गया काम करना। देखिए यहाँ पे चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह का इफेक्ट चालू हो गया। तो देखिए इस तरह का इफेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। तो आपको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको तीर के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो वीडियो आप एडिट किए होंगे इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एक्सपोर्ट कर लेना है। चलिए मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और तो हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए एक के पिसादी सेंगर नमस्ते।